हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपना नर्सरी पे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कमल की कैसे केयर करनी है। अगर आप अपने अपने घर में कमल लगा रखा है छोटे से टब में और वो फूल नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसकी केयर करनी है, कैसे आपको इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है जिससे ये जल्दी आपको फूल देने लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सपना नर्सरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके आप मेरे नए वीडियो को पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन कमल में देखना है आपको जो ख़राब पत्तियां हैं उन्हें आपको कट करके निकाल देना है। जैसे कि ये ख़राब पत्ती है, मैं इन्हें कट करूँगा क्योंकि ये पत्तियां कमल की जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये उसको ख़त्म कर देते हैं। नई पत्तियाँ जो हैं छोटी होती हैं, आकार में आप बड़ी पत्तियाँ भी पा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो पत्तियाँ भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, कमल को सबसे ज़्यादा केयर करना है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि आपको पानी पानी इसको हर समय होना चाहिए, और ऐसा टफ यूज़ करना है जिसमें होल ना हो, छेद ना हो, पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी केयर करने से, जैसे आपने ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा लोग कहते हैं इसे मिट्टी नहीं पा ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, मगर देखिए यहाँ पे मैंने कितनी सारी मिट्टी ऐड कर रखी है। कम से कम 6 इंच इसमें मैंने मिट्टी ऐड कर रखी है हाइट में, और लगभग 2.5 इंच के आसपास इसमें पानी है। ठीक है, इसे कट करके निकाल देना है। काई वगैरह जो होती है उसे आप छन्ने की मदद से बाहर निकाल सकते हो, हालांकि इसमें तो अभी नहीं है। ये सब करने के बाद भी अगर आपका कमल ठीक से ग्रोथ नहीं कर रहा, आपने टफ लगाया, इसमें कोई मछली ऐड नहीं की है, वैसे आप चाहें तो फिश ऐड कर सकते हैं, छोटी फिश आती हैं मार्केट में आपको मिल जाएंगी, मगर आपने ये सब ऐड नहीं किया है तो आप इसमें देखिए मैं ये खाद ऐड करता हूँ जो नाम है इसका NPK 19-19-19। बाज़ार में आपको बहुत सस्ती कीमत में मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 130 रुपये रेट हो सकता है। मैंने इसे काफ़ी पहले लाया था, अभी तक मैंने इसे 2-3 बार ऐड कर चुका हूँ। इस कमल की अच्छी ग्रोथ दे रहा है, मैंने जब पिछली लास्ट टाइम ऐड किया था उसके बाद से इसमें काफ़ी पत्तियाँ आ गई, नहीं तो इसके पहले जो वीडियो था मैंने बनाया नहीं है, 2-3 पत्तियाँ ही थी सिर्फ। आपको बस क्या करना है, 1 चम्मच NPK लेना है। NPK आपके टब के हिसाब से लेना है, इतना नहीं लेना है कि ये जल जाए। जैसे मैंने इतना लिया, ये थोड़ा ज़्यादा ही है, ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसमें हल्का हल्का चारों तरफ आपको डालना है। फर्टिलाइज़र मैंने हालांकि कल ऐड कर दिया है, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ, समझाने के लिए कि आपको फर्टिलाइज़र कैसे डालना है। हल्का हल्का चारों तरफ फर्टिलाइज़र इसको देना है, जिससे ये चारों तरफ से इसको जो फर्टिलाइज़र का ग्रोथ पावर है इसको मिलता रहे। तो अपेक्षा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं आपको फर्टिलाइज़र के जब भी फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद जब इसमें फूल आएंगे तो आपको मैं उस फूल के साथ एक नया वीडियो बना के पोस्ट करूँगा।